क्या हुआ? अरे कंधे में बहुत दर्द है, इससे बोलना थोड़ी मसाज दे दे फिजियो है तो। देख इसके कंधे में दर्द है, मसाज दे दे, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ दादी, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत तो है, लेकिन कंधे की नहीं, इसके स्टूपिड दिमाग की। क्या कह रही है? कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ कि हाँ ट्रीटमेंट की जरूरत। थैंक यू दादी। कम प्रीता, बहुत दर्द है। आराम। अरे जल्दी आओ। आ रही हूँ दादी, कुछ भी जरूरत हो आप मुझे आवाज लगा दे। हाँ पुत्र। तुम मेरी बात सुनो, तुम ना कुछ भी कह रहे हो, देखो मैं अभी फोन करती हूँ, सारी बात क्लियर हो जाएगी ना, इतना सब कहानी बनाने की क्या जरूरत है। एक मिनट, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना कुछ देखना। ओके आज तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम्हारी बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बात है आज। तुम सुनो मेरी बात। अरे इतने दिनों बाद इतना बड़ा सबूत हाथ लगा यार, इतना बड़ा मौका मिला है सच्चाई सामने लाने का, पर तुम क्या? देखो मेरी बात बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें शैलेंद्र शक है और मुझे पृथ्वी पर शक है कि लाइफ में कोई लड़की है। वो लड़की तापसी थी जिसने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि पृथ्वी के करीब आ सके। पृथ्वी को तो कभी भी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था और उसने ये बात सबके सामने एक्सेप्ट की थी। की थी कि नहीं? यार यार तुम वो बात क्यों सुनती हो जिसका कोई मायने ही नहीं है? हाँ जो बात हो गई सो हो गई ना, जो गया सो गया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। प्रीता का मिस्ड कॉल, अब ये क्यों फोन कर रही थी मुझे? कॉल करके देखता हूं। किसका है? है तुमसे मतलब? ओए क्या करते? एक मिनट बेबी डॉल, बस एक मिनट। कमाल है, पहले खुद कॉल करती है अब खुद रिसीव नहीं कर रही है। तुम अपनी बकबक बंद करो, देखो तुम्हें मेरी दोस्ती का। अरे एक मिनट बस। हेलो हेलो, ये तो करण की आवाज है। ये प्रीता के फोन पर ये गिल्ली डंडा प्लेयर कैसे बोल रहा है? कहीं गलती से उसका नंबर तो नहीं लगा दिया मैंने? नहीं, ये नंबर तो प्रीता का ही है। हेलो तो पृथ्वी, सुनाई दे रहा है मिस्टर लूथरा? आई थिंक क्रॉस कनेक्शन हो गया, लगाया था प्रीता को लेकिन लग गया तुझे। अरे नहीं नहीं डूब, ये प्रीता का ही फोन है, वो एक्चुअली बिजी है थोड़ी, मेरे लिए कपड़े निकाल ले। मेरा मतलब है दादी के लिए कपड़े निकाल ले। तो एक काम कर, थोड़ी देर बाद फोन। बाय। काफी जोर से जला यार, तुम्हें किस में लिया था गाड़ी? ये प्रीता उस करण के कमरे में क्या कर रही है? I'm damn sure कि ये गिल्ली डंडा प्लेयर झूठ बोल रहा है कि वो प्रीता उसकी दादी के लिए कपड़े निकाल रही है। नहीं, I'm damn sure कि ये प्रीता उस करण के लिए कपड़े निकाल रही होगी। पर क्यों? वो करण अपने कपड़े खुद नहीं निकाल सकता क्या? और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, मैंने प्रीता को कॉल किया तो प्रीता ने खुद रिसीव नहीं किया, उस गिल्ली डंडा प्लेयर को रिसीव करने के लिए क्यों दिया? हार्ड क्या चल रहा होगा वहां पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस करण ने ये कॉल उसी तरह रिसीव किया जिस तरह मैंने शर्लिन बेबी का कॉल रिसीव किया था जब राखी आंटी ने कॉल किया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गिल्ली डंडा प्लेयर एकदम बिंदास होके बात कर रहा था, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, झूठ तक नहीं बोला उसने जिस तरह मैंने झूठ बोला था राखी आंटी को। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि करण और प्रीता के बीच वो सब शुरू हो चुका है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता? शोलिन, तुम चिंता मत करो बेटा, हार मिल जाएगा, धीरज रखो। कहीं भी नहीं है भाभी, सब ज्वेलरी बॉक्सेस देख ली। उन्नो का कॉल, ये गलत वक्त पर क्यों कॉल करता है? जब भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो तब भी ये फोन नहीं उठाती। हर जगह देख लिया मैंने शोलिन, वो हार कहीं भी नहीं मिला मुझे। इट्स ऑब्वियस तुमने हार गुम कर दिया, अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा ना तुम्हारे पास। आई कांट बिलीव यू शर्लिन, इतने प्यार से दिया था मैंने तुम्हें वो नेकलेस। मैंने हमेशा से सोचा था तुम एक जिम्मेदार लड़की हो,
तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल निकलोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत लेट हो गया है, पार्टी तो गई, कितने प्लान्स बनाए थे मैंने इस पार्टी के लिए। सीव द फोन शोलिन। शायद तुम्हें किसी का फोन आ रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है, हो सकता है तुम्हारी मम्मी जी हो। तुमने उनको भी तो खामखा टेंशन दे दी ना। दो मुझे फोन, मैं बात करती हूँ संजना से। कहती हूँ कितनी इरिस्पॉन्सिबल लड़की है, गिव मी द फोन शर्लिन, फोन दो। दीदी रहने दीजिए ना। शर्लिन तू जा बेटा, अपने मम्मी जी से बात कर। दीदी शांत हो जाइए, आखिर बच्ची है, कभी कभार गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए उसे। मुझे पूरा यकीन है हार कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यहीं पे होगा। अरे क्या है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? हाँ मैं वो करीना आंटी और राखी आंटी के साथ कुछ जरूरी काम कर रही थी। अब ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम्हें मुझसे इतनी अर्जेंटली बात करी? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कुछ और काम धाम नहीं है, पूरे दिन तुम्हारा कॉल उठा दे रहा हूँ? हो गई तुम्हारी बकवास, अब काम की बात सुनो। प्रीता इस वक्त उस गिल्ली डंडा प्लेयर के कमरे में है। ये प्रीता के पास था, प्रीता ने दिया मुझे। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? अब क्या बता रही थी तुम मुझे? अब एक्चुअली प्रीता को यहाँ घर में पड़ा दिखा तो गलती से उठा ले थी, टोटली बाय मिस्टेक। मैं जानती थी कि प्रीता इतना घटिया काम कर सकती है, और वो भी से मुझे परेशान करने के लिए। नहीं आंटी, किसी ने मेरा नेकलेस चुराया। नहीं मैं बताती हूँ, वो एक्चुअली। शट अप प्रीता, हाउ डेयर यू। एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की, तुमने इतना यूनिक और एक्सपेंसिव नेकलेस कभी अपने लाइफ में देखा नहीं होगा, तो सोचा चोरी कर लेती हूँ उसे। मम्मा प्लीज आप जान, वैसे तुम जैसी लड़की तो ऐसा नेकलेस अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। आजकल लूथरा हाउस में आजादी से घूमने फिरने की परमिशन जो मिल गई है तुम्हें, इसी बात का फायदा उठाया तुमने। मैंने इतने प्यार से इस नेकलेस को शर्लिन के लिए बनवाया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नेकलेस को चुराने की? नहीं नहीं बुआ, प्रीता ने हार चुराया नहीं है, मैंने बोला ना उठा के लेके गई वो गलती से। वो भी खबरदार करण, इस चोर की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है करण। एग्जैक्टली, वुड यू गाइस प्लीज स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। किसी से भी गलती हो सकती है, एक बार उनकी बात सुन तो लीजिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। प्लीज ऋषभ जी, आपको गलत फहमी, ये प्रीता जितनी सीधी दिखती है ना उतनी सीधी है नहीं। पता नहीं मुझसे क्यों जलती है, जब देखो तब मेरे और ऋषभ जी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डालती रहती है। लाइक मुझे पता नहीं कि इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकती रहती है, जब देखो तब मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहती रहती है। आई मीन उसे आप भूल गए, इसे क्या इल्जाम लगाया था मुझ पर कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और इसीलिए हमने क्लब की सीसीटीवी कैमरा चेक किए थे, और आज मेरा नेकलेस चुरा लिया। शी प्रीता, प्रीता जानती थी कि ये नेकलेस खास करीना बुआ ने मेरे लिए बनवाया था, जो कि मैं टोटल थीम पार्टी में पहनकर जा सकूं। हम पार्टी में तो जा नहीं सके, और करीना बुआ ने मुझे सुनाया वो अलग। तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी ना प्रीता? नहीं बुआ शर्लिन, ऐसा कुछ। यू आर एब्सोल्युटली राइट शर्लिन, मैंने भी नोटिस किया है, ये हर बार तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गंदा काम करोगी प्रीता। शर्लिन चुप हो जाओ, बिना सोचे समझे तुम प्रीता के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो लड़की ऐसी है ही नहीं जो ऐसा काम करेगी। करेक्ट। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।